हिसार के उकलाना में लॉकडाउन का पालन करने के दौरान आरपीएफ चौकी इंचार्ज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में लाया गया है। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि हांसी के मोट लुहारी गांव का रहने वाला है। इस पर पहले भी कई मुकदमे चल रहे थे, यह पैरोल पर बाहर आया हुआ था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरपीएफ चौकी प्रभारी मुनीश कुमार चेकिंग अभियान पर थे। उकलाना के पास 5 युवक बैठे हुए थे जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। मुनीश कुमार ने उनसे पूछताछ की। इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल से फायर करके उनकी मुनीश कुमार पर गोली दाग दी। घायल को उपचार के लिए लाने लगे तो उसने दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में लाया गया है। पुलिस ने इस मामले में जनता के सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया है जबकि अन्य आरोपी फरार है। हिसार के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने मौके पर घटनास्थल का मुआयना किया। हिसार के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर सारी स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उकलाना में लॉकडाउन का पालन करवाने के दौरान मुनीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस मोट लुहारी निवासी एक युवक को काबू किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी पकड़ा है उस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे, वह हाल ही में जेल से बाहर आया था। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। रेलवे ट्रैक के सारे जा रहे थे, उनका साथ में और एक जोड़े भी था। वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास में 5 लड़के बैठे हुए थे। जब उन्होंने वहाँ पर बैठे रहने का कारण पूछा तो वो लड़के आपस में बहस करने लगे। इसी दौरान ही एक फायर हुआ जो मुनीश कुमार को लगा। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। मौके से जनता के सहयोग से एक आरोपी संदीप को हिरासत में लिया गया है जो कि मोट लोहारी थाना नारनौल हांसी का रहने वाला है और हाल ही में थोड़े दिन पहले पेरोल पे बाहर आया हुआ है। बाकी आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। सीआरपी हिसार के द्वारा बयान दर्ज करके अभियोग खंडित करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पहले भी इस पर हत्या के प्रयास, डकैती इत्यादि के अभियोग हैं जो हम डिटेल निकलवा रहे हैं। अभी हाल ही में ये जेल से पेरोल पे बाहर आया हुआ है। देखिए अभी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, जैसे ही सारे तथ्य हमें स्पष्ट होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.